बाबा बागेश्वर 15 जून से 5 दिनों के लिए एकांतवास पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बाबा बागेश्वर धाम सरकार का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर निकले बाबा बागेश्वर जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की ध्वजा बुलंद करने पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो दक्षिण भारत का रुख करेंगे और फिर वो राजधानी में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाएंगे। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो बोरिया वस्त्र उठाओ घर जाओ। अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। इसी जय श्री राम के नारे के साथ बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर का दिल्ली का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। अगले महीने 5 से 8 जुलाई तक बाबा बागेश्वर दिल्ली में रहेंगे, हनुमंत कथा सुनाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे और साथ ही अपने भक्तों को दिव्य दर्शन भी देंगे। सोशल मीडिया के जरिए बाबा बागेश्वर धाम का दिल्ली का जो प्रोग्राम सामने आया है उसके मुताबिक 5 से 8 जुलाई को बाबा का एक कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड में होगा। यहाँ 5 जुलाई को विशाल कलश यात्रा निकलेगी, 6 जुलाई को हनुमंत कथा, 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा और 8 जुलाई को बाबा के गुरुदेव के दिव्य दर्शन होंगे। कौन कहता है जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता है जाने वाले याद फिर आते नहीं? तोड़ के दिल जाते हैं, छोड़ के दिल जाते नहीं। आने वाले अपने वाले ही सताते हैं, पर आए तो बदनाम है। अपने वाले ही सताते हैं, पराए तो बदनाम है। दोस्त से मिलते हैं जो गम, वो हम दुश्मन से पाते नहीं। बाबा के इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया के जरिए भक्तों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। बाबा के दिल्ली में एंट्री से बीजेपी बेहद खुश है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा, बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली में पधार रहे हैं। दिल्ली में श्री बागेश्वर धाम जी का प्रवास जुलाई में रहेगा। अगर आप पवित्र कलश यात्रा में भागीदार होना चाहते हैं या कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। जय श्री राम। हमारी कोई क्षमता नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको उपद्रव भाता नहीं, हमारा संसार से कोई नाता नहीं, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं। भगवान फिर कृपा करेंगे, फिर हम आपको सुनाएंगे। देखो, राम जी का दास कभी ना रहे, राम जी का दास कभी ना रहे उदास। हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए पास, राम जी का हो जाए खास, प्रभु के धाम में मिल जाए निवास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाए सास। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम का ये प्रयोग ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस में रैन बसेरों में धर्मांतरण के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया जा रहा है, वहीं दिल्ली के बेहद करीब गाजियाबाद से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण की ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसके तार यूपी से महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों से जुड़े हैं। जाहिर है बाबा जब दिल्ली में होंगे तो वे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे ही, साथ ही धर्मांतरण की साजिश रचने वाले ये लोग भी उनके निशाने पर होंगे। अब हमको यहां से जाना है, अब कोई नहीं गाना है, अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए।
हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर देश भ्रमण पर निकले बाबा बागेश्वर धाम का दिल्ली का प्रवास उनके मिशन दक्षिण के बाद होगा। उत्तर भारत में सनातन के बयार जगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होंगे। बेंगलुरु में बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। 13 जून को शाम 4 बजे से बाबा महादिव्य दरबार लगाएंगे। सनातन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, ये ऐसे विषय हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के दिल में बसते हैं। वो जहां भी जाते हैं इन्हीं आवाज को बुलंद करते हैं। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, बनना ही पड़ेगा, इन पागलों को वरना रोकेगा कौन? और रुकना भी तब तक नहीं है जब तक बन ना जाए। इसलिए अपने घरों के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए खुद भी जगो, पड़ोसी को भी जगाओ। कर्नाटक में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में सियासी दलों में जमकर हिंदू मुसलमान किया गया, लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा अपने दरबार में हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां सनातन संस्कृति की सोच पूरी होती है। सनातन का मतलब ही होता है सबके हित को साध्य करने वाला। बाबा बागेश्वर भी ऐसे ही है, पूरे देश और समाज के कल्याण के लिए खुद को झोंक दिया है, तभी तो उनके दरबार में समाज का हर वर्ग दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।